हेलो फ्रेंड्स, आसी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी और इसमें मैं बोटनेक बना रही हूं, तो इसकी स्टिचिंग कैसे करना है यही मैं बताऊंगी। इसकी कटिंग का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूं, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। और कटिंग में मैं सिर्फ अस्तर वाले कपड़े की मैं कटिंग बताई हूँ, और इसमें देखिए यहाँ मैं मेन कपड़े की भी कटिंग कर ली हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए मैं मेन कपड़े की कटिंग की हूँ। देखिए साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेना है, और यहाँ मैं सिर्फ नेक जिस डिज़ाइन की बनाऊंगी वो डिज़ाइन का मैं शेप बताई हूँ, बाकी कटिंग और स्टिचिंग मैं साथ में करूँगी। जब बैक पार्ट की कटिंग करूँगी तभी मैं नेक की कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले मैं जो प्रिंसेस कट डिज़ाइन होता है उसको मैं एक साथ अटैच करना मैं बताऊँगी। तो ये जो बैक पार्ट है इसको हम साइड में कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी, तो दोनों को एक साथ पहले रखेंगे, सीधा वाला साइड मिलाते हुए उल्टा वाले साइड से, उल्टा वाला साइड हम अस्तर वाले कपड़े को रखेंगे और फिर हम दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों सीधा वाला साइड मिलाते हुए मैं पहले देख ले रही हूँ इस तरह से, और फिर एक को मैं एक पार्ट को पहले मैं एक साथ अटैच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। कपड़े को एकदम बराबर में मिलाते हुए हम अटैच करेंगे, बीच में सिकुड़न ना आए। अच्छे से बराबर में मिलाते हुए हम चारों साइड से सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। देखिए एक पार्ट का मैं दोनों कपड़ा में एक साथ अटैच कर ली हूँ, अस्तर वाला और मेन कपड़ा। फिर सेम वैसे ही हमको दूसरे वाले पार्ट में भी अटैच कर लेना है। यहाँ भी कपड़े को बराबर में मिलाते हुए हम अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेना है। दोनों पार्ट को मैं एक साथ में अटैच कर ली हूँ, अस्तर वाले कपड़े को और मेन कपड़े को। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है किनारे किनारे उसको कटिंग करके निकाल देना है। दूसरे वाले पार्ट का भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए ये हो गया। अब ये बीच वाले पार्ट को एक साथ अटैच करना है, अस्तर वाले कपड़े को और मेन कपड़े को। तो सबसे पहले देखिए मेन कपड़े को सीधा रखेंगे हम, और उसके ऊपर हम अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे, सीधा वाले साइड रखेंगे। और यहाँ सबसे पहले नेक पर सिलाई लगाना है, इसको पलटना है, इसीलिए मैं सीधा वाले साइड से अस्तर वाले कपड़े को मैं रख रही हूँ। इस तरह से देखिए सबसे पहले नेक पर सिलाई लगा लेना है। और ये सिलाई लगाने के बाद देखिए बीच वाला कपड़ा जो है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। सिलाई ना कटे ध्यान से कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद बीच में छोटा छोटा कट लगा लेना है पूरे नेक में, और फिर इसको पलट लेंगे। तो देखिए पलटने के बाद अब सीधा वाला ऊपर आ रहा है और नीचे के साइड अस्तर वाला कपड़ा जा रहा है। तो उसको ऐसे करते हुए नीचे वाले साइड अस्तर वाले कपड़े को पलटते हुए और गले पर एकदम किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ हम एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। राउंड में घुमाते हुए कपड़े को बराबर में मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ नेक पर मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके बाद से देखिए इसमें भी किनारे से हमको सिलाई लगा के दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ भी हम कपड़े को बराबर में मिलाते हुए मेन कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को एक साथ बराबर में मिलाते जाएंगे, हाथ से ही प्रेस कर लेंगे और फिर हम सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। और इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। चारों साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर लेना है।
देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। ये देखिए ये मेरा वर्क वाला ब्लाउज पीस है। अगर आपका प्लेन हो तो आप यहाँ नेक पर लेस भी लगा सकते हैं। अब इसमें ये प्रिंसेस कट वाला डिजाइन को हम अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए आर्म होल के पास से मैं इसको अटैच कर रही हूँ। नीचे से अटैच नहीं करते हैं, आर्म होल के पास से यानी कि ऊपर से ही अटैच करते हुए नीचे के साइड हम ले जाएंगे। कपड़े को खींचना नहीं है, बिना खींचे हुए कपड़े को एक बराबर मिलाते हुए फिर हम अटैच कर लेंगे। सेम वैसे ही दूसरे वाले साइड को भी अटैच कर लेना है। यहाँ भी मैं आर्म होल के पास से ही मैं अटैच कर रही हूँ। देखिए राउंड में घुमाते हुए फिर हम अटैच करेंगे। ये ध्यान में रखना है कपड़े को खींचना नहीं है। देखिए इस तरह से मैं दोनों साइड में अटैच कर ली हूँ। यहाँ थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से अटैच हो गया है ये। अब नीचे इसमें कमर पट्टी लगाना है तो कमर पट्टी मैं बाद में लगाऊंगी। अब यहाँ मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। पहले नेक की कटिंग कर लेना है। मेन कपड़े को यहाँ से हटाएंगे, पहले अस्तर वाले कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ चाहें तो डिजाइन का शेप बदल भी सकते हैं। देखिए यहाँ मैं नेक की कटिंग कर ली हूँ। अब इसको भी हम जैसे बीच वाले पार्ट को सिलाई किए थे वैसे ही करना है। मेन कपड़े को सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखना है। एकदम बराबर में मिलाते हुए हम कपड़े को रखेंगे और पहले पिन से सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ भी मैं नेक पलट के ही बनाऊंगी। यहाँ मैं पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं पिन से सेट कर ली हूँ। उसके बाद से नेक पर सिलाई लगा लेना है। बराबर में कपड़े को मिलाते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम एक बराबर कपड़ा मार्जिन रखते हुए लगाएंगे पूरे नेक में। देखिए इस तरह से कॉर्नर पे अच्छे से सिलाई लगाना है ताकि पलटते टाइम अस्तर वाला कपड़ा फटे ना। हाफ इंच कपड़ा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। तो पूरे नेक में ऐसे ही राउंड में घुमाते हुए हम एक बराबर कपड़ा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ मैं पूरे नेक में मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब पिन को निकाल लेना है और यहाँ भी जो नेक के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ से देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। फिर बीच से हम कट करके बीच वाला कपड़ा भी हम निकाल लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के ऊपर ऊपर हम हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा कम हम कपड़ा मार्जिन रखते हुए हम कटिंग करेंगे और पूरे नेक में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसको पलट लेंगे। तो देखिए जब हम पलटेंगे तो ये जो कॉर्नर वाला डिजाइन है इसको हम अच्छे से इसका नोक हम निकाल लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से हम उसका नोक निकाल लेंगे और उसके बाद से नेक पर एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम पूरे नेक में, एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अस्तर वाला कपड़ा ऊपर के साइड ना दिखे, अंदर के साइड करते हुए और राउंड में घुमाते हुए हमको सिलाई लगाना है। दूसरे वाले साइड का भी नोक अच्छे से निकाल लेना है। अगर आपका ब्लाउज पीस प्लेन है तो आप यहाँ भी बैक पार्ट में भी नेक पर आप लेस लगा सकते हैं। अब उसके बाद से देखिए उल्टा वाले साइड से अब हम किनारे किनारे सिलाई लगाकर दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। नीचे के साइड भी सिलाई लगा लेना है। यहाँ भी नीचे हमको कमर पट्टी लगाना है तो दोनों कमर पट्टी मैं एक ही साथ लगा लूँगी। देखिए यहाँ मैं साइड वाला सिलाई भी मैं लगा के अटैच कर ली हूँ।
अब इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करके निकाल देना है। ये हो गया। अब इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए मैं सेंटर से मैं फोल्ड कर ली हूँ इस तरह से, और दोनों साइड में निशान लगा के लंबाई में मैं 4.5 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। हाफ इंच नीचे सिलाई में जाएगा जब कमर पट्टी को अटैच करेंगे, और 4 इंच टक्स की लंबाई रहेगी। तो ऐसे निशान लगाकर मैं दोनों साइड में टक्स को लगा रही हूँ इस तरह से। देखिए ये हो गया है। अब देखिए यहाँ मैं बैक पार्ट को मैं ओपन रखूँगी, यानी कि पीछे के साइड में हुक और आई मैं लगाऊँगी। तो उसके लिए बीच से कट कर ले रही हूँ मैं सेंटर से, और एक साइड में हुक पट्टी लगाऊँगी और एक साइड में आई पट्टी। तो देखिए यहाँ मैं सबसे पहले ये पतला वाला मैं पट्टी लगा रही हूँ, इसको ऊपर के साइड से फोल्ड करते हुए लगाना है। नीचे के साइड तो हम कमर पट्टी लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग आ जाएगी, लेकिन ऊपर के साइड हम फिनिशिंग के लिए ऊपर से फोल्ड कर देंगे। जो पतला वाला मैं पट्टी ली हूँ उसको फोल्ड करते हुए लगाएंगे, और फिर पलट के और एक सिलाई हम उसके ऊपर लगा लेंगे, और फिर अंदर के साइड हम पूरा पलट लेंगे हुक पट्टी को, और फिर एक सिलाई हम अंदर के साइड रखते हुए इस तरह से लगा लेंगे। ये हुक पट्टी है। अब दूसरे वाले पार्ट में मैं आई पट्टी को मैं लगाऊंगी। तो ये इसके लिए चौड़ा पट्टी लेना होता है, और इसको हम उल्टा वाले साइड से रख के अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए जैसे मैं रखी हूँ, इसमें भी ऊपर से फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के लिए, और फिर देखिए सीधा वाले साइड ऐसे पलटकर चौड़े वाले पट्टी को हम बीच से फोल्ड करते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ भी सिलाई लगा लेना है ऐसे बीच से फोल्ड करते हुए। यहाँ मैं दो सिलाई लगाऊंगी, डबल सिलाई मैं यहाँ कर रही हूँ। देखिए पट्टी के ऊपर ये आई पट्टी हो गया, तो यहाँ मैं हुक पट्टी और आई पट्टी को भी मैं अटैच कर ली हूँ। अब इसमें मैं नीचे कमर पट्टी लगाऊंगी, तो पीछे वाले दोनों पार्ट को अलग अलग मैं करके, और फिर यहाँ मैं कमर पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। देखिए साइड से फिर इसको हम फोल्ड करेंगे, और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेंगे, और फिर अंदर के साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे। आप यहाँ अपने हिसाब से तुरपाई भी कर सकते हैं। ये मेरा ब्लाउज पीस वर्क वाला है तो इसमें सिलाई नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। दूसरे वाले पार्ट में भी ऐसे ही कर लेना है, कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे इसी तरह से, इसको अंदर के साइड करते हुए फिर एक सिलाई हम यहाँ लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हमको फ्रंट पार्ट में भी कमर पट्टी को अटैच करना है। कमर पट्टी की चौड़ाई मैं 3 इंच ली हूँ, और उसको मैं बीच से फोल्ड करके, यानी कि डबल में फोल्ड करके मैं यहाँ लगा रही हूँ ऐसे। देखिए एक सिलाई कमर पट्टी के ऊपर भी लगाना है, फिर अंदर के साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है। ये हो गया है। अब हम दोनों शोल्डर को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसकी स्लीव मैं बाद में मैं कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी स्लीव्स की। मैं अलग से नेट का कपड़ा लूंगी, और फिर मैं उससे डिजाइन वाला मैं स्लीव्स बनाऊंगी, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। यहाँ देखिए मैं शोल्डर को अटैच कर ली हूँ। अब यहाँ मैं डोरी लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं रेडीमेड डोरी ली हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको बीच से कट कर लेना है दोनों साइड लगाने के लिए, और मैं ये लगा रही हूँ उसमें डिजाइन के लिए। देखिए जो गले से गले के बीच का जो कपड़ा निकला है उससे मैं इसमें लटकन बना रही हूँ। यह मैं सिंपल लटकन बना रही हूँ, आप चाहें तो रेडीमेड या फिर कपड़े का दूसरे डिजाइन का भी बना सकते हैं। इसको मैं फोल्ड कर ली हूँ, और बीच सेंटर में डोरी को रखते हुए यहाँ ऊपर से कॉर्नर से ऐसे सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमको सिलाई लगा लेना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग करके निकाल लेंगे, और इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस तरह से पलट लेना है। यहाँ मैं सिंपल लटकन बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से डिजाइन वाला भी लटकन बना सकते हैं। दूसरे वाले साइड भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, इसको भी कटिंग करके और पलट लेना है। आर्म होल के साइड जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं
तो हल्का सा कपड़ा हम कटिंग करके फिर हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड कॉर्नर पे हम डोरी को अटैच कर रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसको कटिंग कर लेना है। दूसरे साइड में दूसरे वाले डोरी को मैं अटैच कर रही हूँ। ये हो गया इस तरह से। देखिए अभी ब्लाउज की फुल स्टिचिंग हो गई है। बोटनेक है और प्रिंसेस कट ब्लाउज है ये। यहाँ डोरी को बांध लेना है इस तरह से। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।